मुंबई कहलाती है माया नगरी, और माया नगरी कहलाती है इसीलिए क्योंकि वो है एंटरटेनमेंट जगत, मनोरंजन की दुनिया। पर इसी मनोरंजन की दुनिया में जितनी चकाचौंध है, जितने उजाले हैं, अंदर से ये दुनिया उतनी ही स्याह यानी कि अंधकारमय है। फिल्मों से, टीवी से रातों रात बनने वाले स्टार कब डिप्रेशन में चले जाते हैं, कब दबाव में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाल ही में उदाहरण है कपिल शर्मा साहब। लेकिन आज इस वीडियो रिपोर्ट में उन तमाम बड़े बॉलीवुड सितारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें सामना करना पड़ा डिप्रेशन का, और जिनसे सीख सकते हैं कपिल शर्मा कि आखिर बुरे वक्त में भी डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। हर एक आम दर्शक अपने सपने फिल्मों के चमकते सितारों जैसी जिंदगी की तमन्ना करता है। बाहर से चमकती इस फिल्मी दुनिया में काम करने वाले स्टार्स अंदर से कितने खाली, कितने डरे सहमे और डिप्रेस्ड होते हैं ये शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता। कई सितारे तो डिप्रेशन में अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। तो आइए जरा मिलवाते हैं आपको उन बॉलीवुड सितारों से जो डिप्रेशन के शिकार रहे, और क्या रही उनके डिप्रेशन की वजह ये भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। अमिताभ ने अपने करियर में बहुत सारे हिट फिल्में दी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उनका सारा पैसा डूब रहा था। 90 के दशक में अमिताभ बच्चन ने अपना एक बैनर खोला जिसकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी और सारा पैसा डूबता चला गया, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझने लगे। बिग बी डिप्रेशन में चले गए थे। इसके बाद उन्हें कौन बनेगा करोड़पति ऑफर हुआ और उनका काम फिर से चलने लगा। लेकिन जिस लंबे टाइम तक वो बुरे दौर से गुजरते रहे, डिप्रेशन में रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक इसी तरीके से दीपिका पादुकोण। कुछ साल पहले दीपिका पादुकोण ने सबके सामने खुद के डिप्रेशन का खुलासा करके सबको चौंका दिया था। जब दीपिका की फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही थी तब दीपिका खुश नहीं थी, उन्हें कोई गम था, और वो इस हद तक पहुंच गया था कि वो ठीक से शूटिंग नहीं कर पा रही थी। असल में दीपिका काम के चलते डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दीपिका ने खुद बताया था कि इससे निजात पाने के लिए दीपिका ने दवाइयों के साथ साथ मेडिटेशन का भी सहारा लिया। उन्होंने कहा था कि 2014 की शुरुआत में जब मुझे अपने काम के लिए काफी सराहा जा रहा था, एक सुबह मैं एक अजीब ख्याल के साथ जागी। एक दिन पहले ही मैं थकान की वजह से बेहोश हो गई और यहीं से टूटती गई। मैंने अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया और मैं डिप्रेशन में चली गई। ठीक इसी तरीके से बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान साहब डिप्रेशन की बीमारी से खुद को बचा नहीं पाए। कुछ साल पहले बॉलीवुड किंग शाहरुख भी डिप्रेशन में थे। शाहरुख ने अपने डिप्रेशन में जाने का कारण अपने कंधे की चोट को बताया था। उन्होंने बताया था कि इस चोट की वजह से वो काफी आहत थे, वो खुद को बेहद कमजोर और लाचार महसूस करने लगे थे। लेकिन किंग ने अपने डिप्रेशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया और जल्द इससे बाहर उभर आए। ठीक इसी तरह कई सितारों को बॉलीवुड में लाने वाले, नए चेहरे लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। साल 2016 में करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया था, आजकल सब डिप्रेशन पर खुलकर बात कर रहे हैं, एक समय ऐसा था जब मैं भी डिप्रेस था। करण ने बताया कि साल 2013-14 के बीच एक मीटिंग के दौरान मुझे लगा था कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मैं मीटिंग छोड़कर तुरंत डॉक्टर के पास गया। वहां मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन का अटैक आया था। मेरी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट और खुशी नहीं बची थी। मुझे बहुत कम नींद आती थी। मुझे लगता है कि मैं अपने पापा के निधन से पूरी तरीके से उभर नहीं पाया था। जब आप अकेले होते हैं और किसी रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं जिंदगी कहां जा रही है। ठीक इसी तरीके से संजय दत्त। जी हाँ, मुंबई बम ब्लास्ट केस में सजा काट रहे संजय दत्त ने अपने करीबी दोस्त से इस बात पर खुलकर बात की थी और खुलासा किया था कि जेल में वो डिप्रेशन और नींद ना आने जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पूरी तरीके से टूट चुके संजय दत्त ने डिप्रेशन का सामना जेल में प्राणायाम और योग का सहारा लेकर किया था। इसी कड़ी में आगे बढ़े तो आता है नाम जानी मानी अदकारा और तीनों खान्स के साथ काम कर चुकी अनुष्का शर्मा का। साल 2015 में अनुष्का ने एक मैगजीन में बात करते हुए बताया था कि मैं डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ, मैं इसका ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में डिप्रेशन का इतिहास रहा है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से अनुष्का भी डिप्रेशन का शिकार रही। लेकिन हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाने वाले, अपने एक्शन का जलवा बिखेरने वाले फिल्म बागी 2 के एक्टर टाइगर श्रॉफ ये भी डिप्रेशन का शिकार रह चुके हैं। एक मैगजीन से बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा था कि अ फ्लाइंग जट के फ्लॉप होने के बाद मैं जबरदस्त डिप्रेशन का शिकार हो गया था। बागी को जितनी सफलता मिली थी उतनी फ्लाइंग जट को नहीं मिल पाई। हालांकि मुन्ना माइकल की शूटिंग के समय में डिप्रेशन से उबर गया था। वहीं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा भी है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग के लिए भी जानी जाती है, वो है इलियाना डिक्रूज। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज भी डिप्रेशन से लड़ चुकी हैं।
एक वेबसाइट से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल डिप्रेशन से रहा है। हालांकि मुझे काम की वजह से डिप्रेशन नहीं हुआ, निजी कारणों की वजह से मैं भी डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हूँ। वहीं पर एक और नाम आता है बड़े सितारे का, जिसका नाम है वरुण धवन, जिसने अब तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। बॉलीवुड के यंग एक्टर वरुण धवन ने बताया था कि उन्हें फिल्म बदलापुर की शूटिंग के दौरान डिप्रेशन से गुजरना पड़ा था। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी ने उनके दिमाग पर इस कदर असर कर दिया था कि उन्हें मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। वरुण ने बताया कि उन्हें महसूस हुआ कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर उन्होंने इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर से सलाह ली और धीरे धीरे इस डिप्रेशन से उभर पाए। वहीं इस कड़ी में खूबसूरत अदाकारा मनीषा कोइराला का भी नाम है। क्लिनिकल डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार रह चुकी हैं मनीषा कोइराला। अपनी असफल शादी के चलते मनीषा डिप्रेशन में चली गई थी। इस बात का खुलासा मनीषा ने खुद फेसबुक के जरिए किया था। फिलहाल मनीषा कैंसर और डिप्रेशन दोनों को मात देकर फिट हैं। पर एक ऐसी अदाकारा भी थी जिसने डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर ली, जिया खान। पर्सनल लाइफ में आई परेशानियों के चलते डिप्रेशन में आई थी जिया खान और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वहीं पर बॉलीवुड की हसीन अदाकाराओं में से एक परवीन बॉबी के मौत की वजह भी डिप्रेशन रही। परवीन बॉबी डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रही थी। वो चल नहीं सकती थी, वो अपने घर में इधर से उधर चलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया करती थी और खबरों की माने तो मौत से पहले उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। ठीक इसी तरह एक और बॉलीवुड अदाकारा का नाम जो एक दौर में बहुत फेमस हुई थी, उनका नाम सिल्क स्मिता। एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने फिल्म इंडस्ट्री में सबसे जानी मानी आइटम गर्ल के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे उनकी उदासीन जिंदगी का सच भी छिपा था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अपने डूबते करियर और अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में आई इस एक्ट्रेस ने खुदकुशी कर ली थी। ठीक इसी तरीके से बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना साहब, अपने जमाने के स्टार राजेश खन्ना भी डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि काका के साथ रहना आसान नहीं है। वो सुबह ठीक ठाक से सोकर उठते हैं पर नाश्ते के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, हर बात में मीम मेख निकालने लगते हैं, अपने आप में गुम हो जाते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी नरम पड़ जाते हैं। यही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं रहते कि उन्हें कोई दिक्कत है या काउंसलिंग की जरूरत है। कुछ सालों पहले डिंपल कपाड़िया ने ये बातें बोली थी राजेश खन्ना साहब के लिए। पर अब एक ऐसे सितारे का नाम लेता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, जिसने अपने गाने से हर घर में पहचान बनाई लेकिन काफी टाइम से गुमसा है, मशहूर रैपर सिंगर हनी सिंह। जी हाँ, ये हाल ही में मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। हनी सिंह ने हाल ही में इस बात का खुलासा भी किया था कि नोएडा में रहने के दौरान वो 18 महीने तक मानसिक अवसाद से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने रियलिटी शो इंडियाज रॉक स्टार छोड़ा और उनकी जगह हिमेश रेशमिया ने ली थी। शो छोड़ने का कारण उनका बीमार होना बताया जा रहा था, लेकिन हनी सिंह ने अपने इस डिप्रेशन को मात दी। आज वो एक अलग हनी सिंह बनकर सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये वो तमाम बड़े सितारे हैं, तमाम बड़े नाम हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जिन्होंने डिप्रेशन का सामना किया, लेकिन उनमें से कई लोगों ने डिप्रेशन को मात दी। उम्मीद करते हैं कि कॉमेडी की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा यानी कि कपिल शर्मा भी जल्द ही अपने इस डिप्रेशन की बीमारी को मात देगा और अपने जोक्स के साथ, अपनी कॉमेडी के साथ कई घरों में बैठे डिप्रेशन के मरीजों को हंसाएगा, उनकी बीमारी को दूर करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।